हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे इंसान के बारे में जो अपना हर महीने 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान करता है। क्यों करता है, किस लिए करता है, किस क्या कारण है उसके पीछे, आज हम ये जानने वाले हैं। सो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं संदीप महेश्वरी की, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनके काफी ज्यादा लाखों फॉलोअर्स हैं और उनके मिलियंस में व्यू सकते हैं। सो गाइज, उन्होंने अपना मोनेटाइजेशन जो होता है ना चैनल का, वो ऑन नहीं कर रखा। क्यों नहीं कर रखा है वो भी हम आगे देखने वाले हैं उनकी वीडियो के, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन क्यों नहीं कर रखा है। सो उनकी महीने की इनकम जो होती है ना, वो लगभग 1.5 करोड़ की हो सकती है और वो अमीर बन सकते हैं इमीजिएटली। अगर वो चाहें तो जल्दी से जल्दी वो अमीर बन सकते हैं और अमीर लोगों के अंदर उनका भी नाम आ सकता है। लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा नहीं किया और अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है। क्यों कर रखा है, आप देखिए इस वीडियो को। महेश्वरी सर के चैनल पे तो 24 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है और दोस्तों मिलियंस में व्यूज जाते हैं उनके हर एक वीडियो पर। संदीप महेश्वरी सर जानते हैं कि उनकी यूट्यूब चैनल से हर महीने के 1 से 1.5 करोड़ रुपए वो सिर्फ एडसन से कमा सकते हैं। लेकिन गाइस, संदीप महेश्वरी सर ने फिर भी अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करके रखा हुआ। अब उन्होंने क्यों नहीं करके रखा, आप खुद ही से सुन लीजिए उन्हीं से। तो मेरी मंथली जो व्यूज आ रहे हैं चैनल के ऊपर, टोटल जो नंबर ऑफ व्यूज होते हैं वो है करीब 7 करोड़। जो मेरी ड्यूरेशन है वीडियोस की वो है 20 से 25 मिनट। माय गॉड, तो उसमें मल्टीपल एड चल सकती है। बिल्कुल। तो देख करके मेरे अंदर लालच आया। उसको आप सीधी सी कैलकुलेशन करोगे तो महीने का बनता है 1.5 करोड़ रुपए। इतना मैं अपने धंधे से भी नहीं कमा रहा हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे मोनेटाइजेशन मैंने पीछे से ऑफ कर रखी है, उसको जा करके ऑन करना है। बिल्कुल। पैसा आना शुरू बैंक में। अभी आप सर इंटेंशन की बात कर रहे थे काफी टाइम से, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि आपका सर एग्जैक्टली लाइक एक्चुअली में आपका इंटेंशन क्या है सर इस सबके पीछे। मेरी नीयत क्या है कि मेरे पास में 2 ऑप्शन है आज। एक ये कि मैं एक इंसान के फायदे के बारे में सोचूं। वो एक इंसान कौन है, मैं हूं। तो मेरा फायदा किसमें है, उस बटन को ऑन करने में जो 1 घंटे का काम है। 500 वीडियोस पे ऑन हो जाएगा, खट 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 और नोटों की बारिश शुरू। इसमें किसका फायदा हुआ, एक का। अगर मैं ऐड ऑन नहीं करता हूं तो उसमें कितनों का फायदा हुआ, 7 करोड़ व्यूज हो रहे हैं हर वीडियो पे। अगर मल्टीपल टाइम्स ऐड चलती और 1 मिनट भी वेस्ट होता एक वीडियो में, क्योंकि ऑन एन एवरेज मेरी ड्यूरेशन क्या है एक वीडियो की, 20 से 25 मिनट, तो मान लेते हैं उसमें 1 मिनट ऐड में चला जाता है, तो क्या 7 करोड़ मिनट का टाइम खराब नहीं हो गया और लोगों का। टाइम इज इक्वल टू मनी, सोचो मैं क्या कह रहा हूं अगर समझ पा रहे हो तो। तो इसको बोलते हैं नियत, कि आपको यह देखना है कि एक का फायदा है या सबका फायदा है। तो गाइस, आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि उन्होंने जो अपने बारे में बताया है कि उनके चैनल के ऊपर मिलियंस में व्यू आते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने अपना मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है और क्या कारण था वो भी बताया। उन्होंने बताया कि मैं अगर चाहूँ तो अपना मोनेटाइजेशन ऑन करके अगर मैं कमाना चाहूँ तो महीने के मतलब 1.5 करोड़ लगभग कमा सकता हूँ, क्योंकि उनकी वीडियो की जो लेंथ होती है ना, मतलब 24-25 मिनट के लगभग होती है, तो उनके ऊपर मल्टीपल एड्स चल सकते हैं उनके मतलब जो वीडियो है उनके ऊपर। तो उन्होंने अपना जो मोनेटाइजेशन है वो ऑफ करके इसलिए रखा है कि ताकि लोगों का जो मंथली जो इनका जो व्यू ड्यूरेशन है वो मंथली इनका 7.5 करोड़ लगभग 8-9 करोड़ के लगभग आता है, तो वो सोचते हैं कि अब जो मेरे वीडियोस के ऊपर मैंने अगर मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया तो जो वो 1 मिनट होता है ना जो कि एड्स के एड्स चलते हैं ना, वो मिनट के एड्स चलते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि जो मेरे को 1 महीने के अंदर 7.5 करोड़ लोग देख रहे हैं, तो उनका अगर ये 1 मिनट काउंट किया जाए ना तो 7.5 करोड़ मिनट होते हैं, तो उनका कितना समय जो खराब हो रहा है ना, उस कारण से उन्होंने ये मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर रखा है। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि मगर मेरा खुद का अगर मैं सोचूं ना, अगर मैं खुद का फायदा, अगर मैं अकेले का फायदा देखूं तो मैं ऑन चाहूँ तो मेरे को 1-1.5 घंटा लगेगी, मैं ऑन कर सकता हूँ, बट मैं सबका सोच, यानी उन्होंने जितने लोग उनकी व्यूअर्स है उन्होंने उनके बारे में सोचा कि उनका टाइम वेस्ट ना हो, तो उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर रखा है। सो गाइज, ऐसे इंसान को मेरा सल्यूट है और ऐसे इंसान के लिए एक लाइक तो बनता है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। सो गाइज, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको अगले वीडियो तब तक के लिए बाय।